लेकिन नौजवान ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक काम किया है और आज आप देख रहे हैं कि देहरादून में डेंगू का प्रकोप है और लोगों को खून की आवश्यकता पड़ रही है, रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है और बहुत प्रयास करने के बाद हमको उपलब्ध हो पा रहा है। तो ऐसे मौके पर इस आयोजन का मकसद भी कामयाब होता है। मैं इन लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस महत्वपूर्ण मौके पर आपने रक्तदान करके देहरादून निवासियों की मदद की है और इसको ये आगे बनाए रखें, यही मेरी ओर से उनको शुभकामनाएँ हैं। मेरा नाम नीलांश शर्मा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रग फ्री देवभूमि के तहत हमने द्वितीय विशाल रक्तदान शिविर कराया, हमने फरवरी माह में जो पहला शिविर लगाया था इसी के आदि, तो हमने चार घंटे में 60 यूनिट देने का कार्य किया था। इसी के तहत हमने, आपको पता है कि जहाँ कॉलेज खुल गए हैं वहाँ पर नशा किस तरह से अपनी पकड़ बना रहा है, ये एक हमारे देश के लिए एक बीमारी, कैंसर नामक बीमारी का जैसे काम कर रहा है। तो हमने इसी के तहत युवाओं के जो संदेश जाए पूरे देहरादून युवा के, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के युवाओं को ये संदेश जाए कि हमें नशे से हटके हमें निरंतर जल कल्याण कार्य, सामाजिक कार्य करने। जो बंदा नशा करता होगा वो अपनी जान तक नहीं बचा सकता ये ब्लड देकर, या कि अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की जान तक नहीं बचा सकता जो बंदा नशा करता है। तो उसके तहत हम निरंतर अपने धर्मपुर क्षेत्र में, हमारे वार्ड में निरंतर हम जन कल्याण और सामाजिक कार्य करते रहेंगे। मैं आपको हकीकत बताऊं सर, तो एक हफ्ते से मैं लगातार किसी ना किसी का ब्लड, किसी का प्लाज्मा, किसी की प्लेटलेट अरेंज करा रहा हूं। भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं। उसी के तहत मेरे एक दिमाग में है, मेरे साथ जो मेरी टीम जुड़ी हुई है, अविनाश यादव जी हैं, हर्ष तेवतिया जी हैं, इन्होंने मेरा निरंतर सहयोग करा है और द फिटनेस पैलेस जिम आपको फिट भी बनाएगी और साथ ही अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है और हम अगर उसे पूरा कर सकते हैं तो हम इसी प्रकार करते रहेंगे। हम आज 100 यूनिट देने का हमारा टारगेट है, इससे हम प्रदेश में या हमारे देहरादून में किसी को भी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो फिटनेस पैलेस का नाम लेकर वो हॉस्पिटल से ले सकता है। मेरा नाम है अविनाश यादव। मैं बस इस शिविर के ज़रिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आजकल के बच्चे ये स्टेरॉइड्स और मेडिसिन में हो करके अपने लिए दिक्कत क्रिएट कर देते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, बस ये सब चीज़ें छोड़ दें, वो नशे की आदत छोड़ दें और बस एक फ़िटनेस को इतने अच्छे तरीके से करें, अपनी नॉर्मल अच्छे घर की डाइट से करें, ये चाह रहा हूँ मैं। और इस शिविर के ज़रिए हमने ये भी करा कि आजकल डेंगू बहुत चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा चल रहा, तो हमने सोचा एक कैंप लगवाते हैं जिससे जितने लोगों को मदद हो सकती है वो हम करें।